सब्सक्राइब कीजिए सिविल सॉल्यूशन चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वन वे एंड टू वे स्लैब। आज मैं आपको बताऊंगा कि वन वे और टू वे स्लैब क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने वन वे और टू वे स्लैब को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उन कैटेगरीज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि वन वे और टू वे स्लैब क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले स्पान रेशो। अगर आपका किसी भी स्लैब का लेंथ और विड्थ यानी कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशो अगर आपका दो या दो से ज़्यादा है तो वो जो स्लैब होगा आपका कौन सा होगा? वन वे स्लैब। इसके अपोजिट अगर आपका लेंथ और विड्थ यानी कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशो दो से कम है तो वो जो स्लैब होगी आपकी कौन सी होगी? टू वे स्लैब। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट। तो वन वे स्लैब में हमारा बेंडिंग मोमेंट सिर्फ शॉर्टर स्पान पे एक्ट करता है, लेकिन इसके अपोजिट टू वे स्लैब में हमारा बेंडिंग मोमेंट लॉन्गर और शॉर्टर दोनों स्पान पे आपका बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है। इसके बाद मेन रिइंफोर्समेंट। तो वन वे स्लैब में हम मेन रिइंफोर्समेंट सिर्फ शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वन वे स्लैब में वो आपका सिर्फ शॉर्टर स्पान पे एक्ट करता है, लॉन्गर स्पान पे हमारा एक्ट नहीं करता। तो लॉन्गर स्पान में हम सिर्फ बाइंडर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन रिइंफोर्समेंट हम सिर्फ शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड करेंगे वन वे स्लैब में। लेकिन इसके अपोजिट टू वे स्लैब में हम मेन रिइंफोर्समेंट लॉन्गर और शॉर्टर दोनों स्पान में हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि टू वे स्लैब में आपका बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर और लॉन्गर दोनों स्पान पे एक्ट करता है, इसलिए हम मेन रिइंफोर्समेंट लॉन्गर और शॉर्टर दोनों स्पान में हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद लास्ट में थिकनेस ऑफ स्लैब। तो आपकी वन वे स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टू वे स्लैब। टू वे स्लैब की हमारी थिकनेस जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वन वे स्लैब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि वन वे और टू वे स्लैब क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि इससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।